नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती किरण नागरानी है। आज मैंने मुरार के रॉयल ग्रीन गार्डन SLP कॉलेज के पास ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। कैंप लगाने का कारण ये था, हमारे थैलेसीमिया बच्चे जिनको कि हर 15 दिन में 8 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, भले एक बार खाना ना दो लेकिन ब्लड ज़रूर पड़ता है। उसके लिए कमी अपन लोगों की होती है कि अपन शादी से पहले और शादी के बाद एक जाँच नहीं करवाते थैलेसीमिया माइनर की। इसलिए अगर पति पत्नी दोनों थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो 100% बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। तो उसको रोकने के लिए अपनी कमियों के कारण बच्चों को भुगतना पड़ता है, सुइयां झेलनी पड़ती हैं। तो हमारे जेज ग्रुप में ब्लड की बहुत शॉर्टेज है, इसलिए मैंने कहा चलो एक कैंप आज मैंने इसलिए कैंप लगाया है। 116 बार मैं कैंप में ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ और ये 8वीं कैंप है मेरी, और आज भी मैं ब्लड डोनेट करूँगी 117वीं बार। और मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है, मेरी संस्था का नाम है रक्तार्पण संस्था मुरार, जो दूसरी संस्था है लश्कर, रक्तार्पण संस्था लश्कर है। तो मैंने अपनी संस्था यहाँ मुरार में चालू करी है। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है मैं कभी मना नहीं करती ब्लड के लिए। ब्लड डोनेट करते ही देखो अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे ऊपर जो दुख बीता है वो शायद किसी और पे ना बीते। मेरा एक ही बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी माँ को इतनी तकलीफ भुगतनी पड़ी। निस्वार्थ सेवा करने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। आपको जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। एक ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की ज़िंदगी मिलती है। प्लाज्मा, प्लेटलेट और ओड ब्लड पैक सेल सब तैयार होता है। तो इसलिए और शादी से पहले और शादी के बाद जो थैलेसीमिया की जाँच होती है वो हर व्यक्ति को करवाना चाहिए, ताकि आने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी को थैलेसीमिया बच्चा पैदा नहीं होगा। हम ही रोक सकते हैं इसी को। मेरा नाम डिग्गी सेंगर है, यही रहते हैं मुरार में। तो मिनिमम 30-32 बार मैंने दे रखा है खून। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली रक्तदान करने? जो हमारी आंटी जी हैं जो हमेशा देती रहती थी, पहले निकलवाया था हमारा, हमको अच्छा लगा दूसरी जान बचा के, तो हमें प्रेरणा इतनी मिली। जब आपने रक्तदान प्रथम बार किया था तो आपको कुछ डर या भय टाइप का? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया दिया था। अपन लोगों से हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिए जिससे किसी की जान बचे। तो कहीं ना कहीं और भी युवाओं को आप मैसेज दे रहे हैं? हाँ, टीम में। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने रक्तदान किया, इसके बाद आपको कुछ बेचैनी सी? नहीं, कुछ नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ। तो रक्तदान करना चाहिए, कहीं ना कहीं करना चाहिए, किसी की जान बचाना चाहिए। मुझे आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं, हाँ जी, मैं डॉक्टर रवि भगत हूँ। मैं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रदर्शक पद पे हूँ और ब्लड बैंक में मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ इसके बारे में? आज जो रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, ये नागरानी जी हैं, ये हर साल करती हैं, बहुत ही अच्छा करती हैं और बहुत ज़्यादा रक्तदाता आते हैं इसमें, और इससे काफ़ी मदद मिलती है ब्लड बैंक को। बहुत ही पवित्र काम है, तो बहुत ही हम आभार व्यक्त करते हैं इनका। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें अभी नई गाइडलाइन जैसे हैं कि जब भी शादी से पहले ज़रूर पति पत्नी दोनों को जांच करानी चाहिए, ताकि भविष्य में हम इसे कुछ हो तो रोक सकें। इसके सर संदर्भ में आपसे जानना चाहूँगा कि जांच कराने के लिए क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से, मतलब प्रशासनिक या फिर प्राइवेट, किस प्रकार से हम लोग जाँच करा सकते हैं? ये प्रशासनिक भी होती है, लेकिन अभी सुविधा नहीं है अपने यहाँ, लेकिन ऐसे प्राइवेट करा सकते हैं। बाकी सरकार के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराने के, शायद बहुत जल्दी ही ये सरकारी अस्पतालों में काफ़ी में आ गई है, यहाँ भी हो सकता है ये मशीन। कोई रक्तदान शिविर अपने यहाँ आयोजित कराना चाहते हैं तो आप लोगों से किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, ब्लड बैंक में आप आ सकते हैं, एक आवेदन दे सकते हैं और थोड़ी सी आप हमसे सलाह ले सकते हैं कि ब्लड बैंक रक्तदान कराने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा रूम चाहिए रहता है, हवा आए, AC रहे, टेम्परेचर मेंटेन हो, ऐसी बस। और कितने लोगों का शिविर आप आयोजित करना चाहते हो उसके हिसाब से हमें ब्लड बैग और रिफ्रेशमेंट जो हम देते हैं वो लाना पड़ता है।